सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेफू एंड हर फ्रेंड्स के बारे में, जो कि लिखी गई है बाय अ क्यूबन अमेरिकन प्लेराइट, जो कि मिली मारिया इराने फॉर्मिस। इनकी डेथ अभी कुछ 4 साल पहले ही हुई है, 2018 में। एंड इस स्टोरी को मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ, मेरे लिए पहला एक तो ये स्टोरी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट के ऊपर पढ़ रहे हैं। एंड देन सेकंड, जो बीए इंग्लिश ऑनर्स वगैरह के बच्चे जिनके में ये सब्जेक्ट में है या सेमेस्टर में है, कई बच्चे ऐसे होंगे जो ये स्कूल के लिए पढ़ रहे हैं, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप जो है ये स्टोरी किस लिए पढ़ रहे हैं। सेकेंड थिंग इज, ये जो है ना स्टोरी, ये मतलब इसको हम बात करें नॉवल जो है, ये एक प्ले, इसे हम प्ले कह सकते हैं मेरे, ये जो है प्रीमायर हुआ था इन 1977 एक एट द रिलेटिवली रिलेटिविटी मीडिया लैब में, जो कि एक स्मॉल वेन्यू है ऑन न्यूयॉर्क लोअर ईस्ट साइड। ये मेरे सेट है, मतलब ये जो पूरा प्ले है ये सेट हुआ है इन 1935 न्यू इंग्लैंड में, और जो प्ले है वो कंसर्न करता है मेनली अ ग्रुप ऑफ वुमेन। इस पूरी स्टोरी में आपको एक भी मैन, नॉट इवन अ सिंगल मैन शो होगा आपको इस पूरी स्टोरी में, बट द थिंग इज कि जो इस नॉवल की पहली लाइन है उसी में जो है माई हस्बैंड, मतलब कि आपको अगर देखोगे तो फर्स्ट लाइन से जो है एक मैन को शो किया गया है, बट पूरे नॉवल में कोई भी मैन की प्रेजेंस नहीं है, कोई भी फिजिकल मैन की प्रेजेंस नहीं है। इस जो प्ले में जो है कंसर्न किया गया है एक ग्रुप ऑफ वुमेन को, जो कि जानती है हु न्यू वन अनदर, वो एक दूसरे को जानती है इन कॉलेज, और वो गैदर करती है फॉर अ यूनियन एज एडल्ट्स, मतलब वो आपस में जैसे होते हैं पार्टी वगैरह रखते हैं आपस में मिलने के लिए। विद इन 6 मंथ्स फेफू वॉज प्रोड्यूस्ड ऑफ ब्रॉडवे एट द अमेरिकन प्लेस थिएटर। एंड उसके बाद अगर हम बात करें इस स्टोरी के बारे में, ओवर द कोर्स जो ये मेनली इस पूरी स्टोरी के मेन जो हमारी राइटर है मारिया इराने फॉर्निस, तो उनका करियर जो है एज अ प्ले राइट डिस्क्राइब होता है। बट अगर हम बात करें उनका जब ये मतलब करियर नहीं था एज इन प्ले राइट वगैरह का करियर नहीं था, उससे पहले उनका जो मेन करियर था वो था एज इन पेंटर। वो जैसे हम कहते हैं ना स्टोरीज के लिए पेंटिंग वगैरह करते हैं, तो टाइप ऑफ वो पेंटर टाइप थी वो। फेफू जो है इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन प्लेस एंड हैज बीन लॉडेड as a seminal text in the feminist theater and a significant part of the American theater canon in the 20th century. अगर आप देखोगे ना, ये प्ले जो है एक ऐसा प्ले है मेरे लिए फेमिनिस्ट से रिलेटेड, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड। एंड देन द मेन थिंग इज कि जहाँ पे फिजिकली मैन को बिल्कुल भी शो नहीं किया गया है, बट जो मेंटली प्रेजेंस है मैन की वो हर वक्त आपको इस पूरे प्ले में दिखेगी या शो होगी। बात कर लेते हैं इसके मेनली कुछ और लाइंस के बारे में, तो जो फॉरनेस है, मतलब हम इनको फॉरनेस बोलेंगे पूरे जो हमारी मेन राइटर है उनको, नहीं तो उनका नाम बहुत ज़्यादा बड़ा है इसलिए। तो फॉरनेस जो है वो एक्सप्लेन करती है कि जो शी वॉज इंस्पायर्ड टू राइट फेफू एंड फ्रेंड्स बाय एन ओल्ड मैक्सिकन जोक। अभी ये जोक कैसा है, ये जोक ऐसा नहीं है कि मतलब आपको नॉर्मली आप सुनते हो तभी, क्योंकि एक ऐसा जोक जो कि उन्होंने ऐसे टाइम पर सुना कि उससे वो इतनी ज़्यादा इंस्पायर हुई और उसके बाद उन्होंने सोचा कि मुझे ये स्टोरी लिखनी चाहिए। टू मैन आर एट बुल फाइट, तो ये पूरे एक जोक बता रही है वो कि क्या उन्होंने जोक सुना था। तो जो दो मैन थे वो बुल फाइट पे थे, एंड वन कमेंट्स टू द अदर अबाउट अ अट्रैक्टिव वुमेन, द अदर आस्क्स विच वुमेन ही इज टॉकिंग अबाउट, एंड द फर्स्ट पॉइंट्स हिज गन शूट्स एंड रिप्लाइज डेट वन। तो मतलब वो उसको एज इन दिखाता है, शो करता है कि हाँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ। फेफूज ऑल वुमेन कास्ट प्लेसेस ऑल द मेल कैरेक्टर्स ऑफ स्टेज, मतलब इसमें जो है ना जितने भी मेल कैरेक्टर्स हैं वो प्रेजेंट है बट वो सारे ऑफ स्टेज है, मतलब कोई मेन स्टेज पे नहीं आया है। हाईलाइटिंग द वे कि जो ईच वुमेन है इन द प्ले इज कंट्रोल्ड एंड डैमेज्ड बाय द पैट्रियार्कल सोसाइटी। कभी भी आप कोई भी नॉवल प्ले स्टोरी पोएम पढ़ोगे जहाँ पे आपको दिखेगा ना कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर शो किया गया है, जहाँ पे मेन की प्रेजेंस नहीं है बट मेंटली उनकी प्रेजेंस है, तो उसको हम मेनली कहते हैं एक पैट्रियार्कल सोसाइटी, जहाँ पे जो है मेन्स की जो है हायरार्की होती है टाइप ऑफ, and the construction of a gender roles. फेफू एंड हर फ्रेंड्स जो वो नेविगेट करता है, मतलब कि इन्वेस्टिगेट करता है मेनली द वे ऑपरेशन अफेक्ट्स दीज वुमेन्स लाइफ एंड द रिलेशनशिप विद वन अनदर। ऐसा नहीं है कि एक मेल का डोमिनेंस जो है वो उनको सिर्फ फिजिकली इफेक्ट करता है बट मेंटली इमोशनली जो कहते हैं ना एक स्ट्रांग होने से रोकता है, क्योंकि अगर आप अकेले होगे तो आप ज़्यादा स्ट्रांग बन पाओगे, आप ज़्यादा वर्ल्ड को मतलब जैसे कहते हैं ना वर्ल्ड को फेस करने की ताकत ला पाओगे, बट अगर आप किसी के साथ होगे तो आप उस चीज़ को छोड़ देते हो। फेफू एंड हर फ्रेंड्स ये डिवाइडेड है मेरी 3 पार्ट्स में, तो ये 3 पार्ट्स की आपको एक समरी या फिर एक मैम आपको बताने वाली हूँ टोटल कि इसमें है क्या, इस पूरी स्टोरी में इस पूरे प्ले में है क्या, ये क्या बताया गया है। 8 वुमेन गैदर हुई हैं एक साथ, तो एक चीज़ याद रखना कि इस पूरे लेवल मतलब इस पूरे प्ले में 8 वुमेन एक गैदर हुई हैं। कहाँ पर हुई है, होम ऑफ स्टेफे बैकमैन। इनका आपको नाम याद हो तो अच्छी बात, नहीं होता है तो सिर्फ स्टेफनी कर लेना बिकॉज ये ज़्यादा ईजी रहेगा, बैकमैन थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो सकता है कई स्टूडेंट्स के।
नोन बाय द निकनेम एज फेफू, तो इनका मेन निकनेम है फेफू। तो अब देखो, जब आपने पहला नॉवल में अपना जो क्वेश्चन जो है लिखना शुरू करोगे, अगर क्वेश्चन पेपर के लिए कोई आंसर लिखोगे ना, तो जब आप फेफू लिखो ना, ब्रैकेट में इनका नाम अगर डाल सको तो जरूर डाल दो, जो कि स्टेफनी बैकमैन। तो इनका अगर नाम डालोगे ना, तो टीचर को भी लगेगा कि आपने, जैसे कहते हैं ना, डीप रीडिंग करी है किसी स्टोरी की, तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा आपके आंसर को और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। पार्ट वन जो है अक्कर होता है इन द लिविंग रूम। तो ये जो तीनों पार्ट्स है ना, ये अलग अलग जगह पे हुए हैं, मतलब एक ही घर के तीन अलग अलग एरियाज में। तो पहला पार्ट जो है वो है लिविंग रूम में, एंड एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले जो क्रिस्टियन है एंड जो किंडी है, मतलब आई थिंक सिंडी बोल सकते हैं, किंडी भी बोल सकते हैं, जो फर्स्ट जो गेस्ट है जो कि आर शॉक्ड व्हेन फेफू यूजेस अ राइफल टू शूट एट हर हस्बैंड इन द बैकयार्ड। तो जो फर्स्ट गेट्स, ये देखो, ये ना पूरा प्ले जो है ना एज इन स्टेज पे हो रही है, तो स्टेज इज इक्वल्स टू नॉट अ रियलिटी, मतलब एज इन रियलिटी नहीं है बिल्कुल ये। आर शॉक्ड व्हेन फेफू जो है वो यूज करती है अपनी राइफल टू शूट एट हर हस्बैंड इन द बैकयार्ड। फेफू जो है रीअश्योर करती है कि जो उसके फ्रेंड है, मतलब जो उसके फ्रेंड्स है मेनली, डेट दिस इज जस्ट अ गेम, ये कोई गेम ही हो, ये कोई ऐसा एज इन रियल लाइफ में ना हो जाए। डेट द प्ले इन देयर मैरिज एंड डेट द बुलेट्स आर ब्लैंक्स, मतलब बुलेट्स वहाँ पर है ही नहीं अवेलेबल, मतलब जैसे कहते ना एक गन विदाउट बुलेट्स, मतलब वहाँ पर कोई बुलेट्स नहीं है, वो सिर्फ गन है, खाली गन। ऑब्वियसली फेफू पॉइंट्स आउट डेट हर हस्बैंड जोक्स अबाउट रिप्लेसिंग द ब्लैंक्स विद रियल बुलेट्स, जो अभी ये चाहते हैं, मतलब कि उनके अपने हस्बैंड का वो बता रही है कि उनका जोक जो है वो चाहते हैं कि रियल बुलेट्स यहाँ पर आ जाए ऐसा कुछ। जो रेस्ट ऑफ द वुमेन है अराइव, वो मतलब आती हैं, इंक्लूडिंग, अब देखो मैं आपको कुछ के नाम बता देती हूँ जो यहाँ पे वुमेन्स प्रेजेंट है, अगर आप चाहो तो इनकी लिस्ट बना लेना कि टोटल 8 वुमेन्स में से हर वुमेन का क्या क्या नेम है। ऐसा नहीं आपको पेपर में लिखने की जरूरत है, बट आपको पता होगा तो इफेक्टिव करेगा आपके आंसर को। तो इंक्लूडिंग जूलिया हु इज इन अ व्हील चेयर, ये बात याद रखना कि जूलिया जो है वो व्हील चेयर पे है, अ मिस्टीरियस हॉन्टिंग एक्सीडेंट जो कि हुआ है, फॉलोड बाय एमा पॉला सुई एंड सिसिली। तो ये कुछ है। नेक्स्ट पार्ट है इसमें, इन पार्ट टू फोर सीन्स है, फोर सीन अक्कर होते हैं। पार्ट टू हम कह सकते हैं लेंथीएस्ट पार्ट है या फिर डिफिकल्ट पार्ट भी है इस पूरी प्ले का। एमा एंड फेफू आर एट द लॉन डिस्कसिंग हेवन, डिस्कस कर रहे हो हेवन के बारे में, हेवन हेल एंड जेनिटल्स इन द स्टडी। जो किंडे, मैं इनको किंडी बोलूंगी, आई थिंक सिंडी भी हो सकता है, आई डोंट नो इनकी प्रोनाउंसिएशन क्या हो सकती है, अगर आपको पता है कमेंट्स में बता देना। एंड क्रिस्टियाना टॉक अबाउट लव, एंड जो सिंडी है वो रिकाउंट्स करती है मेनली डिस्टर्बिंग नाइटमेयर, मतलब वो अब उसको, मतलब जैसे कहते हैं, बताती हैं। अलोन इन हर बेडरूम जूलिया हेलुसिनेट्स अबाउट इनविजिबल जजेस हु अलाउड हर टू लिव थ्रू हर एक्सीडेंट बट ओनली अंडर सर्टेन कंडीशंस। जूलिया वही है जो कि व्हील चेयर पर है। इन एक्सचेंज ऑफ हर लाइफ जो जजेस है वो फोर्स करते हैं हर टू एक्सपेक्ट हर रोल एज अ सबॉर्डिनेट वुमेन इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी वाइल रिफ्यूजिंग टू एक्नॉलेज दैट अ पेट्रियार्की एग्जिस्ट। तो जब यहाँ पे कहते हैं ना कि वुमेन एक अपने को एम्पावर भी नहीं कर पा रही है। फाइनली जो किचन में जो है वो है पॉला एंड सिसिली जो कि रिहैश कर रही है देयर लव अफेयर विच केम टू अ पेनफुल एंड। तो ये भी देख सकते हो हार्ट ब्रेकिंग। हम जैसे पता है इस स्टोरीज में, इस प्लेस में, बिकॉज इस समय जो हम पढ़ रहे हैं, मतलब एज इन एडल्ट्स वी आर रीडिंग दिस, हम एडल्ट्स की तरह रीड कर रहे हैं या फिर टीनेजर्स की तरह, कई बच्चे टीनेजर्स एंड कई बच्चे एडल्ट्स। तो पता है आप इसमें अपना हार्ट ब्रेकन या इनकी एज ए स्टोरी तो नहीं बट एक जैसे कहते हैं थीम एक्सप्लेन कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपके आंसर के लिए। पार्ट थ्री में जो रिटर्न होता है टू द लिविंग रूम, फिर से वापस सारे लिविंग रूम में आ जाते हैं। तो आप बता सकते हो कि पार्ट वन में एंड पार्ट टू थ्री में लिविंग रूम्स में थे एंड पार्ट टू में कहाँ कहाँ थे मेनली। एक तो था लॉन में, एक लॉन हो गया, दूसरा जो मेनली आई थिंक था एक बेडरूम में, अलोन इन बेडरूम, एंड द थर्ड थिंग इज कि कहाँ पे थे, एक और भी जगह थी ना, हाँ किचन में। तो तीन जगह थी, लॉन, बेडरूम, किचन, इन तीन जगह तो पक्का है, बाकी और भी हो सकती हैं। पार्ट थ्री जब वापस से रिटर्न करते हैं टू द लिविंग रूम एंड वेयर जो वुमेन है वो प्लान कर रही है एक फंड रेजर परफॉर्मेंस की। एट द एंड ऑफ द प्ले जो फेफू है वो शूट कर देती है एट अ रैबिट एक्सपेक्टिंग द गन टू बी फुल ऑफ ब्लैंक्स एज ऑलवेज। तो वो सोचती है कि हाँ आज भी गन ब्लैंक होगी, बट ऐसा नहीं होता, वो शूट हो जाता है उसमें, मतलब गोलियां रियल की होती है। दिस टाइम जो गन है वो शूट कर देती है एक रियल बुलेट किलिंग द रैबिट। अब ये रैबिट की जो डेथ हो जाती है, मतलब किल हो जाता है एक टाइप से। एज दिस अकर्स जूलिया हेड फॉल्स बैक ब्लीडिंग। तो अब जो मतलब कहते हैं ना एक सडन आपको डर लगना है, खौफ हो जाना, मिमिकिंग द हॉन्टिंग एक्सीडेंट डेट पुट हर इन व्हील चेयर और इसी के चक्कर में व्हील चेयर रह जाती है, परहैप्स किलिंग हर दिस टाइम।
सो करते इसी के साथ वीडियो को एंड, मिलते अगली वीडियो में। स्टिल कोई भी क्वेरी है तो कमेंट से पूछ सकते हैं। अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट चाहिए तो उसके जो चार्जेस है वो है 51 रुपीज़ है मेनली। अगर आपको चाहिए उसके मतलब नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, जैसे आपको हैंड रिटन नोट्स स्पेसिफिकली, मैं एक और आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूँगी जो कि होगी फुल चैप्टर का आपका डिस्कशन, डीप डिस्कशन, थीम्स वगैरह के ऊपर आपको पूरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। चाहिए मुझे कमेंट्स भी बताओ एंड इंस्टा पे मुझे बताओ, बिकॉज इंस्टा पे जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। स्टिल अब आपकी कोई भी क्वेरी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड यस ऑल द बेस्ट एंड यस थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।